गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आपका मनी नाइन पर। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाला सीधा पर्सनल फाइनेंस का बुलेटिन। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस खबरों का सिलसिला। लोकसभा चुनाव के बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता हो सकता है। संसदीय समिति ने सरकार को हेल्थ इंश्योरेंस के 30,000 रुपए तक के प्रीमियम पर GST घटाने का सुझाव दिया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हेल्थ इंश्योरेंस को पहुंचाने के लिए सरकार GST घटाने का ये प्रस्ताव अब GST काउंसिल को भेजने पर विचार कर रही है। GST काउंसिल अगर इस प्रस्ताव को मंजूर करती है तो इससे हेल्थ इंश्योरेंस की लागत घट जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस की लागत घटने से इसका दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी। आलू की वजह से सब्जियों की महंगाई एक बार फिर डबल डिजिट में पहुंच सकती है। अप्रैल के दौरान देश भर में आलू का औसत भाव करीब 50% बढ़ा है। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 1 अप्रैल को आलू का मॉडल भाव 20 रुपए प्रति किलो था, जो 30 अप्रैल को बढ़कर 30 रुपए प्रति किलो हो गया। आलू की कीमतों में हुई इस साल बढ़ोतरी का असर अगले हफ्ते आने वाले महंगाई दर के आंकड़ों पर भी दिखेगा। बढ़ती हुई गर्मी से भी आगे सब्जियों के महंगे होने के आसार हैं। भारतीय सड़कों पर अब खोजने से भी आपको शायद गड्ढे नहीं मिलेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक नए डामर मिश्रण का परीक्षण कर रही है। इस सेल्फ हीलिंग मटेरियल का इस्तेमाल रोड कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाएगा, जो खुद ब खुद सड़कों को रिपेयर करेगा। इस डामर मिश्रण को स्टील फाइबर और बिटुमिन को मिलाकर बनाया जाएगा। जब सड़क पर कोई गड्ढा बनेगा तब इसे भरने के लिए बिटुमिन अपने आप फैल जाएगा। सेल्फ रिपेयरिंग डामर टेक्नोलॉजी में स्टील के छोटे छोटे टुकड़ों को बिटुमिन में मिलाया जाता है। FD में निवेश करने वालों के लिए आज की हमारी अगली खबर है। RBL बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम राशि वाली फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर में बदलाव किया है। FD पर नई ब्याज दरें 1 मई से प्रभावी हो चुकी हैं। RBL बैंक सबसे ज्यादा 8% ब्याज 18 से 24 महीने वाली FD पर दे रहा है। इसी FD पर सीनियर सिटीजन को 0.5% अतिरिक्त यानी 8.5% ब्याज मिलेगा। सुपर सीनियर सिटीजन को इस FD पर 8.75% ब्याज की पेशकश की जा रही है। टेलीकॉम सेक्टर में एक नई हलचल पैदा होने वाली है। सरकारी कंपनी BSNL ने इस साल अगस्त से पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित 4G सेवाएं पूरे देश में शुरू करने की घोषणा की है। BSNL ने 4G नेटवर्क पर 40 से 45 Mbps की अधिकतम स्पीड मिलने का दावा किया है। BSNL अभी TCS और C-DOT के साथ मिलकर स्वदेशी स्तर पर विकसित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पंजाब में करीब 8 लाख ग्राहकों को 4G सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। TCS तेजस नेटवर्क और ITI को 4G नेटवर्क तैनात करने के लिए BSNL ने 19,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इस नेटवर्क को आगे चलकर 5G में अपग्रेड किया जाएगा। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन देने में अब बैंक आनाकानी कर सकते हैं, क्योंकि RBI ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को लोन देने के नियम सख्त बना दिए हैं। RBI ने एक ड्राफ्ट जारी कर कहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को दिए जाने वाले लोन के लिए बैंकों को अब ज्यादा प्रोविजनिंग करनी होगी। अब बैंकों को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए कुल लोन का 5% तक प्रोविजनिंग करना होगा। अब प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाएगा तब इस प्रोविजनिंग को घटाकर 2.5% तक किया जा सकेगा। प्रोविजनिंग बढ़ने से कई छोटे बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन देने से बचेंगे। देश में सर्विस सेक्टर की गतिविधियां अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों और मजबूत मांग की दम पर अप्रैल में 14 साल के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। HSBC इंडिया सर्विस PMI अप्रैल में 60.8 रहा। 50 से ऊपर अंक का मतलब गतिविधियों में विस्तार और 50 से कम अंक का मतलब गिरावट है। अप्रैल में नए ऑर्डर मिलने से सेवा गतिविधियों ने जोर पकड़ा, जिससे अर्थव्यवस्था की वृद्धि को भी सपोर्ट मिला है। पिछले 2 साल में होम लोन सेगमेंट में बकाया ऋण करीब 10 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। इस साल मार्च में कुल होम लोन बकाया रिकॉर्ड 27.23 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। कोविड महामारी के बाद रियल एस्टेट मार्केट में दबी मांग निकलने से होम लोन में वृद्धि हुई है। पिछले 2 वित्त वर्षों में घरों की बिक्री और कीमतों में महत्वपूर्ण उछाल दर्ज किया गया है। Tier 1 शहरों में घरों की कीमत 50 से 100% तक बढ़ी, इसके चलते प्रति संपत्ति औसत लोन आकार भी बढ़ा है। भारतीय एयरलाइंस के अच्छे दिन आने वाले हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसील का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात में भारतीय एयरलाइन कंपनियों की हिस्सेदारी 2017 से 2028 तक बढ़कर 50% हो जाएगी, जो पिछले वित्त वर्ष तक 43% थी। ये सुधार भारतीय एयरलाइंस के अपने फ्लीट में अतिरिक्त विमान शामिल करने और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नए मार्ग जोड़ने से होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय यातायात में हिस्सेदारी बढ़ने से भारतीय एयरलाइन कंपनियों की व्यावसायिक स्थिति मजबूत होगी, जो डोमेस्टिक सेक्टर की तुलना में ज्यादा लाभदायक है।
टीमलीज शिक्षा मंत्रालय के अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के माध्यम से 5000 से ज्यादा ग्रेजुएट प्रशिक्षुओं को रोजगार देगी। इसके लिए टीमलीज ने ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस और सॉल्यूशन फर्म जेनपैक्ट के साथ हाथ मिलाया है। इस भागीदारी के तहत जेनपैक्ट 5000 ग्रेजुएट प्रशिक्षुओं को कौशल हासिल करने के लिए बाद रोजगार देगी। इच्छुक पेशेवर को व्यावहारिक जमीनी प्रशिक्षण प्रदान कर सुनिश्चित किया जाएगा कि वो मुश्किल हालात में भी सफल करियर बना पाए। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। अगर आप मनी नाइन की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ सवाल पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो सीधे पूछें अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी, सिर्फ मनी नाइन पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मंत्री। अगर आपका स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आज ही मुझसे अपना सवाल पूछिए। लॉग इन कीजिए मनी नाइन के ऐप में। मनी नाइन के ऐप में टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में जाने के बाद आप अपना सवाल डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए मनी नाइन का सुपर ऐप। वहीं अगर आप पर्सनल फाइनेंस जुड़ी खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.moneynine.com पर विजिट करें। यहां पर 7 अलग अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी नाइन के ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी नाइन के साथ। नमस्कार।